हेलो दोस्तों, वैसे तो आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते मैं फटाफट से अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। हाय, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। बेसिकली मैं भोपाल से हूँ, लेकिन मैं बाहर जॉब करती हूँ। तो आज मुझे मेरे घर वालों से मिलने जाना है। बहुत दिन के बाद आज मैं उनसे मिलने जाने वाली हूँ। तो पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि मेरा जो होम जर्नी है वो कैसा रहा। और आज जो मैं आपको स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ, ये मेरा डेली का स्किन केयर रूटीन है गाइस। चाहे मैं घर पे रहूँ चाहे मैं बाहर रहूँ, सो ये मैं रेगुलर अपना रूटीन फॉलो करती हूँ विदाउट एनी मिस्टेक। ऑल्सो इसके पहले मैंने किया है क्लेंजिंग टोनिंग, उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई किया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अ गुड मॉइस्चराइज़र। सीरम लगाने के बाद आप लोग कभी भी डायरेक्टली सनस्क्रीन मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि जो हम सीरम लगाते हैं वो हमारे स्किन के थर्ड लेयर पर जाकर काम करता है। सीरम के एब्जॉर्ब होने के बाद आप तुरंत उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाइए, क्योंकि आपके सीरम को लॉक करने का काम मॉइस्चराइज़र करता है। और जितना हमारे स्किन के लिए सीरम इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली मॉइस्चराइज़र से उसको लॉक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप कितना भी अच्छा सीरम यूज़ करेंगे वो वेस्ट ऑफ यूजेस ही रहेगा, क्योंकि हमारे सीरम को लॉक करने के लिए मॉइस्चराइज़र जो है एक मेन रोल रहता है। चलिए फिर, अब हमारा स्किन केयर हो चुका है, थोड़ा सा मेकअप की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं अपने ब्राउज को थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, सो दैट अभी मुझे सनस्क्रीन यूज़ करना है। तो उसमें मेरा जो भी मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी वो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि मेरे ब्राउज से अवॉइड करके उसको अप्लाई करूँ, इसलिए मैं पहले अपने ब्राउज को शेप दे रही हूँ। आई नो गाइज, अभी मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आईब्रोज कराने का, लेकिन कल परसों में मैं ज़रूर करवा लूँगी। चलिए फिर सनस्क्रीन स्टार्ट करते हैं। सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा, सनस्क्रीन हमारे स्किन केयर में बहुत मेन रोल रहता है उसका, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर, इवन जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ डॉट इन की का, वो आपकी स्किन को ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट एंड इम्प्योरिटीज से क्लीन करता है, आपके ओपन पोर्स को सिक्योर करके रखता है, आपकी स्किन के प्रोटेक्शन में काम करता है। ऑल्सो सनस्क्रीन है तो सन ब्लॉक का भी काम करेगा। ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है गाइस, और फास्ट एब्जॉर्ब रहता है, बिल्कुल स्टिकी आपको स्किन में फील नहीं होगा। देखिए बिल्कुल पानी की तरह, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपका अभी स्किन ऑयली है तो आप ये सनस्क्रीन को लॉक करके रखिए, क्योंकि ये सनस्क्रीन बना है आपकी स्किन के लिए। चलो भाई रेडी हो रहे हैं तो रिंग भी पहन लेते हैं। ये क्या होता है कि मॉर्निंग में मेरी फिंगर्स थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, तो मुझे ये प्रॉब्लम रोज़ फेस करना पड़ता है गाइस। चलिए फिर, अब हम अप्लाई करते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, विच इज़ अ ब्लश। ब्लश मेरा ये नायका का सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्लश है। थोड़ा सा एक्सेस निकल गया था तो उसको मैंने मेरे चिक्स पे लगा, अच्छे से ब्लेंड किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन गाइस, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं हमेशा मेरे लिए कंफर्टेबल एंड लूज़ कपड़े प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ट्रैवल में वी आर नॉट श्योर कि हमें कितनी कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। सो आप मेक श्योर कि आप जो भी कपड़े पहने वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, और आप ट्राई करिए कि आप बालों को ओपन ना रखें, क्योंकि अगर आप बालों को खुले रखेंगे तो आपको स्प्लिट एंड्स और फ्रिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं मेरे बालों को हमेशा टाई करके रखती हूँ, इवन अजूड़ा या फिर मैं अच्छा सा उसमें कुछ भी स्टाइलिंग करती हूँ, ताकि मेरे हेयर्स ओपन ना रहें और मुझे बॉदर ना करें। और कभी भी आप ट्रैवल करें तो ये बड़े एक्सेसरीज कभी भी वेयर ना करें। इवन आई नेवर प्रिफर कि मैं कुछ भी डार्क लिपस्टिक लगाऊं, मैं हमेशा ये बॉबी ब्राउन का लिप बाम लगाती हूँ, और जब भी मुझे कहीं भी निकलना है तो बस इसको वेयर करती हूँ, निकल जाती हूँ। अब गाइस बहुत लेट हो गया, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब हम आगे का सफ़र देखेंगे, जो मेरे बस से लेकर के घर तक का सफ़र रहेगा। ओके स्टे ट्यून गाइस। चलिए निकलने के पहले एक गिलास गर्म पानी पीते हैं, ताकि यू नेवर नो कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ट्रैवल में। दोस्तों मेरे पास 20 मिनट का टाइम था, और बाहर बहुत अच्छी धूप लगी थी, क्योंकि अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, थोड़ी सी ठंड अभी भी है। तो मेरा जो टेरेस का गार्डन है, मैंने सोचा कि वहाँ 5 मिनट के लिए अपने आप को टाइम देती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा अपना मूड चिल करके उसके बाद मैंने निकलने का सोचा। और ये देखिए, और हमेशा की तरह मैं इन मोमेंट में पहुँची हूँ, बस निकलने का टाइम हो चुका था और मैं तुरंत पहुँची, और बस मैंने अपनी सीट पकड़ ली पटाख से। ये मैं अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ, और अब थोड़ी सी देर में हमारी बस स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ली है न्यूबो इलेक्ट्रिक बस गाइस, आपने इसके बारे में सुना होगा, ये बहुत ही कंफर्टेबल राइड देती है, और मेन चीज़ ये हमेशा ऑन टाइम आपको पिक करती है, ऑन टाइम आपको ड्रॉप करती है। और रास्ते में ये आपके लिए 10 मिनट का ब्रेक देती है, जिसमें आप टी कॉफ़ी पी सकते हैं, आप फ्रेशन अप हो सकते हैं।
ये आप प्यारे सी मुस्कान देखिएगा, ये मुस्कान सिर्फ आपको घर आने के सुकून में ही आ सकता है। आप लोगों ने वैसे मुझे हमेशा कुछ ट्यूटोरियल बनाते हुए देखा है, या मेकअप करते हुए, या किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का रिव्यू करते हुए देखा है। गाइस ये दिस इज़ माई ओरिजिनल फेस, और जो मैंने मेकअप किया था वो थोड़ी देर में मेरे स्किन पर नेचुरली ब्लेंड हो गया है। और आई नेवर प्रिफर ऐसा मेकअप जो मेरे फेस पर ओवर कम होकर आपको बहुत ज़्यादा विजिबल हो, मैं हमेशा नेचुरल मेकअप ही प्रेफर करती हूँ। 10 मिनट का ब्रेक आ गया है गाइस, और हमारी बस रुक चुकी है, और मैंने अपने लिए लिया है चाय का टोकन, और चाय के साथ में मैं खाऊंगी आलू वड़ा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो मैंने आलू वड़ा वहाँ से परचेस किया, और अब मैं बस में बैठने के बाद मेरा आलू वड़ा आराम से खाऊंगी अकेले। बस यहाँ से निकल गई है दोस्तों, और बस 1 घंटे का रास्ता बचा है, 1 से 1.5 घंटे में हम भोपाल पहुँच जाएंगे आराम से। और भोपाल पहुँचते ही पहले तो मैंने कैब बुक किया था, और कैब में लग रहे थे कुछ 45 मिनट्स, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, बाइक से ही चलते हैं, थोड़ी फ्रेश हवा भी चल रही थी, शाम के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 5:30। और भोपाल में 2-व्हीलर से घूमने का एक अलग ही मज़ा है, ये आप पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू लग रहा है। अब होम स्वीट होम गाइस। दोस्तों मैं जाने वाली हूँ मेरे भाई के रूम में, उसको अभी तक पता नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि वो माइनक्राफ्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी है। ये देखिए आप लोग, अरे अरे तू कहाँ भैया, बता तो देती मैं आ जाता लेने। ये इतना बिजी है गेम खेलने में कि इसको पता ही नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ। अरे वो छोड़ना चलना, बता तो देती मैं आ जाता ना। अरे यो, हेलो गाइस, हेलो हेलो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरे घर की बनी हुई चाय को बहुत मिस करती हूँ गाइस। आप ऐसी कौन सी चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।